कुरान शरीफ के तीसरे पारा में सूरह बकरा के 35वें रुकू में आयत नंबर 258 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या आपने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो कहने लगा मैं जिलाता और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से निकालता है, पूरब की तरफ से निकालता है, तू उसे मगरिब की जानिब से निकाल के देखा। अब तो वो काफिर हैरान रह गया। और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और नमरूद का बयान हो रहा है। नमरूद को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बादशाही दे रखी थी और वो खुदाई दावा करने लगा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाकर उसको समझाया कि तू खुदाई दावा छोड़ दे और तू भी खुदा का बंदा है, खुदा की इबादत में झुक जा। तो जवाब में नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो खुदा कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा जिलाता भी है और मारता भी है। तो जवाब में नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दो मुजरिमों को जेल में से निकाल के लाया, एक को कत्ल कर दिया, एक को छोड़ दिया। कह रहा ये तो मैं भी कर लेता हूँ, घास खाता था घास, अल्लाह जिलाता है और मारता है, पर ऐसा ही है, पैदा करता है जिंदा और जिंदा लोगों को मौत के घाट उतार देता है, ये मतलब है। इतना समझ में नहीं आ रहा खुदा बन गया है, समझने के लिए उसके पास दिमाग में कीड़ा मकोड़ा भेजा नहीं है और खुदा बन रहा है। बहरहाल ये आवाम जो होती है ना उनको उल्लू बनाया था और कुछ नहीं, और आवाम भी ऐसे ही रहते हैं। सारा मुल्क सत्यानाश कर रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर और लोग चमचागिरी कर ही रहे हैं, तो वैसे होता है आवाम। वो उल्लू बनाया नमरूद ने, आवाम को पागल बनाया। तो दो मुजरिमों को बुलाया जो वाजिबुल कत्ल थे, एक मुजरिम को कत्ल कर दिया और एक मुजरिम को छोड़ दिया और कहा कि देखो हमने भी एक को जिला दिया और एक को मार दिया। हालांकि अल्लाह ताला का मारना जिलाना और है, लेकिन वो इस तरह ताबील करके निकल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी समझ गए लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब सूरज को मशरिक की तरफ से निकालता है, पूरब से, और मगरिब में डुबा देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब की तरफ से निकाल के देखा, पश्चिम साइड से सूरज निकाल के देखा। उस पर वो नमरूद लाजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं बन पाया। पहले सवाल की तो इधर उधर तावील कर दिया, दूसरे सवाल की तावील ही नहीं कर सका। हालांकि ये मुतालबा खुदाई दावा करने पर तलब किया गया था, लेकिन जवाब तक नहीं दे पाया तो करेगा क्या। अब शान रसूलुल्लाह को सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, यह अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। वो रवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामे सहबा में, एक गांव का नाम है, जोहर की नमाज पढ़ी और नमाज असर से फारिग होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी अब तक असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। जब वो तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और आपकी आंख लग गई, आप सो गए, सफर में कहीं गए हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको बेदार करना पसंद नहीं किया, यहाँ तक कि आफ्ताब डूबने के करीब हो गया और असर की नमाज का वक्त निकल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली तो आपने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज असर का वक्त जाता रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तेरा बंदा हज़रत अली तेरे नबी की खिदमत में था और उसकी असर की नमाज छूट गई है, तो तू आफ्ताब को फिर मशरिक की जानिब लौटा दे।
डूबा हुआ सूरज फिर पीछे लौटा दे। हजरत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आफ्ताब इतना लौट आया कि उसकी धूप पहाड़ों पर फिर से पड़ने लगी। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, वजू फरमाया, असर की नमाज अदा फरमाई, उसके बाद सूरज डूब गया। तर्जमान सुन्नह जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 150/3 हदीस नंबर 1338 मोजेसा का बयान है। किसी साइंस वाले में इतना दम जो डूबे हुए सूरज को वापस कर दे? ताकत है कि आफ्ताब को लौटाए वापस? ये एहसान अल्लाह ताला ने अपने महबूब प्यारे दुलारे चहीते आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी है। किसी साइंस वाले में इतना दम नहीं है कि डूबा हुआ सूरज वापस ले आए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन।